के लिए एक बहुत ही प्यारा बच्चों का शूज़ लेकर आई हूँ। ये देखो, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप बच्चे आसानी से डाल सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये डालकर बहुत ही प्यारा लगता है ये शूज़। ये देखो, मैंने इसका ये वाला बॉर्डर मैंने बना लिया है। यहाँ पर मैंने इसके लिए 37 फंदे डाले हैं, 37 फंदे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे मैंने क्या करना है इसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह और 18 फंदे हमने इधर कर लिए, 18 हमारे इधर आ जाएंगे। जो बीच वाला एक फंदा है ना, इसको इसके लिए हम ये वाली लाइन बनाएंगे। इसकी ये वाली लाइन, इसको कैसे लाइन बनाने के लिए मैं बताती हूँ आपको। ये एक इधर, 17 इधर रह जाएंगे, 17 इधर, और एक ये बीच वाला फंदा जो है हमने इसको आगे लेकर आना है, और ये वाला हमने फंदे को पीछे कर देना है ऐसे डालकर। अब हमने ये तीन फंदे बना लेने हैं, एक, दो और ये तीन फंदे अब हम बना लेंगे। ये हमारी बीच में सिंपल एक सीधा आ जाएगा फंदा। 18 ही हमारे फंदे इधर आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे हमने कैसे करना है नेक्स्ट सिलाई में। ये हम सीधी तरफ आ गए हैं, फिर सीधी तरफ में मैं बताऊंगी अब आपने आगे कैसे करना है। ये वाला फंदा, फिर बीच वाला फंदे को हम आगे लेकर आना है, और ये वाले फंदे को हमें पीछे कर देना है। ये वाले फंदे को, ये आगे आ गया, वो वाला पीछे चला गया। एक हमारा इधर से काम होगा, एक हमारा इधर से फंदा काम हो गया हमारा। ये बाकी फंदे हमने सिंपल ही बना लेने हैं, और उल्टी तरफ से सारी सिंपल ही सिलाई है। उल्टी रो भी हमने सिंपल ही बनाकर कंप्लीट कर देनी है। ऐसे ही शूज ऊपर से कम होते जाएंगे फंदे, और ये वाली शेप ऊपर वाली आ जाएगी हमारी आसानी से। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, रॉन्ग साइड भी सारी ऐसे सिंपल ही कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने फंदे घटा लिए हैं, देखो मैंने इतना सा बना लिया है। मैंने 37 फंदे डाले थे, अब मैंने 26 फंदे ऊपर यहाँ पर सारे रखे हैं। अब मैं इसकी उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनाऊंगी। अब फंदों को कम नहीं करेंगे हम, ऐसे बिल्कुल उल्टी ही सिलाई हम चलाएंगे। ऐसे वाली लाइन हम बनाएंगे, ये वाली लाइन। अब ये एक लाइन बना, दो लाइन बनाने के बाद फिर हम इसमें डोरी के लिए जाली बना देंगे ऊपर। ये सारी सिलाई हम ऐसी ही रो को, सारी रो को कंप्लीट करेंगे, उल्टी उल्टी रो को कंप्लीट कर देंगे। सीधी तरफ से हमने सारी रो को उल्टा ही बनाना है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं शूज, और बहुत ही प्यारे लगते हैं बनकर। ये मैंने सारी रो को कंप्लीट कर दिया है, उल्टी तरफ से सारी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे।
मैं जाली बनाऊंगी। ये देखो अब जाली कैसे बनानी है हमने, ये दो का एक कर लेना और धागा ऐसे घुमा लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर दो का एक बना देंगे हम। ऐसे ही सारी रो को हमने, ये वाली रो को ऐसे ही कंप्लीट कर देना है, धागा अपनी तरफ और दो का एक, धागा अपनी तरफ दो का एक, ऐसे ही बनाकर हमने सारी रो को कंप्लीट कर देना है। ये हमारी डोरी के लिए बीच में जाली बन जाएगी, होल बन जाएंगे जिससे हम बच्चे के लिए डोरी डाल सकते हैं बीच में बांधने के लिए। ये धागा अपनी तरफ कर कर दो का एक, धागा अपनी तरफ दो का एक, धागा अपनी तरफ दो का एक। पीछे वाले दो जो से सिंपल फंदे हैं हमने उनको उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर देना है। अब रॉन्ग साइड सारी सिंपल ही बनाएंगे हम। सीधी साइड से हम सारी उल्टी ही सिलाई बनाकर कंप्लीट कर देना है। अब हमने इसको ऐसे हमने सारा उल्टा उल्टा ही बनाकर इसको कंप्लीट कर देंगे हम। उल्टे उल्टे ही सारे फंदे बनाएंगे जाले के ऊपर, फिर लाइनें आ जाएंगी हमारी। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था ऐसे ऊपर ही बॉर्डर हमारा बन जाएगा, सिंपल ही सारा, ना इसमें जाली डालेंगे ना कुछ, सिंपल ही सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। ये देखो ये हमारी ऐसे ये जाली बन गई है, ये देखो होल बन गए हमारे, ये बीच की ये लाइन आ गई हमारी। अब हम इसको उल्टी तरफ से भी रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर देंगे सिंपल ही बनाकर। सारे फंदों को हमने बंद कर देना है, बंद ऐसे करेंगे, इसके ऊपर से एक निकाल देंगे, फिर इसके ऊपर से एक ऐसे स्लिप कर दिया नीचे, फिर ऊपर से ये वाला फंदा नीचे स्लिप कर दिया, ये ऊपर वाला फिर नीचे स्लिप कर देंगे। ऐसे ही सारे फंदों को हमने कंप्लीट कर देना है ऐसे। ये देखो ये मैंने सारी रो को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको बताते हैं कैसे सिलना है। ये ऐसे आ जाएगा हमारा शूज बनकर, ये वाली शेप आ जाएगी हमारी, इसको हमने यहाँ से सिल देना है। ये ऐसे आ जाएगी ये शेप, ये देखिए यहाँ से ऊपर से ये आ जाएगा पाउंड डालने के लिए, यहाँ पर डोरी डाल देंगे जैसे मैंने ये डाल रखी है। ये वाली लाइन से हमने ऐसे करके हाफ कर लेना है, जो मैंने ये लाइन बना रखी है इससे हाफ कर लेंगे, ऐसे इसकी ये वाली शेप आ जाएगी इस शूज की भी। जब हम सिल लेंगे इसको तो ये ऐसे हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे को बताइए कि आपको ये मेरे डिज़ाइन, ये बच्चों के शूज़ कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।